हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म कंटारा का। हाँ, कंटारा जो काफ़ी सक्सेसफुल रही है बॉक्स ऑफिस पर लास्ट कुछ दिनों में, और इतने दिनों बाद भी जब हम ये फिल्म देख रहे हैं, कई सारी एक्सपेक्टेशंस लेके आप जाते हैं एज एन ऑडियंस। इतनी तारीफ सुनी है इस फिल्म की, एंड येट व्हेन यू गो एंड वॉच दिस फिल्म विद ऑल दिस प्री कंसीव्ड नोशंस, येट यू कम बैक फुलफिल्ड, यू कम बैक सेटिस्फाइड, यू कम बैक मेसमराइज बाय दैट अमेजिंग सिनेमाटोग्राफी बाय अरविंद कश्यप एंड द ड्रामा दैट अनफोल्ड्स ऑन स्क्रीन बाय द मैवरिक इंजीनियर्स कॉल्ड ऋषभ शेट्टी। यस, ऋषभ शेट्टी हु स्टार्स इन द फिल्म, इज द मेन लीड इन द फिल्म, is also the writer and director of the film. And how difficult it must be for someone to write, act and direct a film like this, a film which can really test you physically, mentally, it can really exhaust you, and yet to come out with such flying colors and yet to create cinema at its absolute very best is something that Rishabh Shetty must be proud of. This clearly is a Rishabh Shetty show all the way. इस फिल्म के जो अन्य मुख्य कलाकार हैं वो हैं सप्तमी गौड़ा, मानसी सुधीर, दीपक राय पानाजे, प्रमोद शेट्टी, अच्युत कुमार, किशोर, नवीन पाडिल और प्रकाश थुमिनाड। अब कहानी जो है अटेम्प्ट्स टू आंसर द एज ओल्ड क्वेश्चन, हु डज द लैंड बिलोंग टू, मैन और नेचर, राजा या प्रजा, लैंडलॉर्ड और द विलेजर्स, इसी सवाल के जवाब में ये पूरी फिल्म घूमती है। एंड द फैक्ट दैट ऋषभ शेट्टी इज सो ब्यूटिफुली एबल टू कंबाइन फोकलोर एंड माइथोलॉजी व्हाइल अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स दिस फिल्म सो ग्रेट। तो कहानी जो है शुरुआत में सेट है 1857 में, जब एक राजा जो है उसके पास सब कुछ है, प्रजा का प्यार है, एक अच्छी फैमिली है, लेकिन समहाउ ही इज नॉट एट पीस विद हिमसेल्फ। वो रात को सो नहीं पाता, कोई तो बात है जो उसे खटकती है, और एक गुरु के उपदेश पर वो निकल पड़ता है फॉरेस्ट में पीस की तलाश में। और फिर उसे मिलते हैं एक आइडल, एक पत्थर के रूप में, जिनको देखते ही उसे वो इनर पीस मिलती है जो वो हमेशा चाहते हैं, जो वो हमेशा ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि वो इस आइडल को अपने साथ ले जाए, लेकिन वो आइडल जो है वो डेटी है उस गाँव के लोगों की रक्षा करते हैं। तो गाँव के लोगों का कहना है कि अगर आप वो आइडल ले जाओगे तो उन्हें काफ़ी सारी ज़मीन गांव वालों को देनी पड़ेगी बदले में। तो वो राजा खुशी खुशी ये ज़मीन दे देते हैं गांव वालों को। बहुत साल पहले एक राजा था, और उसने एक मामूली से पत्थर के लिए अपनी विशाल ज़मीन गांव वालों को दान कर दी। उनका ये भी मानना है कि कभी भी उन्होंने विलेजर्स के साथ छल कपट किया तो आइडल तो एक बार माफ़ कर दे, लेकिन जो उनके दूसरे रूप हैं वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो इसी बात का आश्वासन देते हुए राजा उस आइडल को ले जाते हैं कि वो ये सारी ज़मीन गांव वालों को देंगे और उसे कोई मोह नहीं, और वो वापस नहीं लेंगे। सर का 1970 जब उसी राजा के वंशज जो हैं अब एक लैंडलॉर्ड है, और अब वो ये ज़मीन वापस चाहते हैं गांव वालों से। उन्हें लगता है वो गांव में जाके जो उनका एनुअल फेस्टिवल है भूतकाल, जहाँ पे गांव वाला इस डेमीगॉड को रिप्रेजेंट करता है और परफॉर्म करता है इस एनुअल फेस्टिवल में, वहाँ पर लैंडलॉर्ड बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी भगवान का साया इस गांव पे नहीं है, कि जो परफॉर्म कर रहा है वो एक्चुअली एक परफॉर्मर है लेकिन डेटी नहीं है। बट सिर्फ उस लैंडलॉर्ड को प्रूव करने के लिए कि वो परफॉर्मर नहीं है बट डेटी का ही एक अवतार है, वो आदमी जाता है फॉरेस्ट में एंड ही वैनिशेस इनटू थिन एयर। और जाने से पहले उस लैंडलॉर्ड को श्राप देता है कि जिस कोर्ट का दरवाज़ा वो खटखटाने जा रहा है वहीं पे वो दम तोड़ेगा। और एग्जैक्टली वैसे ही होता है, जैसे ही वो कोर्ट में जाता है गांव वालों से ज़मीन लेने, उस कोर्ट की सीढ़ियों पे ही स्टार्ट्स वॉमिटिंग ब्लड एंड ही पासेस अवे। और उनका टुटुडेज डे है जहाँ पे उसी गांव के लोग आराम से रह रहे हैं, और जो लैंडलॉर्ड 1970 में मर चुका है उसका बेटा जो है इन गांव वालों के साथ बड़े अच्छे से रह रहा है। इनफैक्ट ही पार्टिसिपेट्स इन द एनुअल फेस्टिवल्स विद देम, उसके घर पे भी गांव वाले जाते हैं। और गांव वालों में से एक बंदा वो है जिसका पिता उस डेटी को रिप्रेजेंट करता था और भूतकाल में नाच रहा था, और वही वैनिश हो जाता है, और वो है शिवा। शिवा जो है काफ़ी इनडिफरेंट है टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स, वो अपनी ही मस्ती में है अपने दोस्तों के साथ, इज फेयरली इम्पल्सिव एज अ पर्सन, वो सिर्फ शिकार में, बफेलो रेस में, इन्हीं सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है शिवा जो है, लेकिन लैंडलॉर्ड के काफ़ी नज़दीक है। अब इसी दौरान पे एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है जिसका रोल किशोर प्ले कर रहे हैं, इट्स अ गुड टू सी हिम अगेन। और किशोर जो है वो लॉ को मानने वाले फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, वो ये मानते हैं कि ये विलेजर्स एनक्रोच करके बैठे हैं इस लैंड पे, और ये लैंड जो है ये फॉरेस्ट रिजर्व है गवर्नमेंट का। अब शुरू में जो है किशोर नज़र आते हैं एक विलन के रूप में, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि असली प्रॉब्लम जो है वो इसी लैंडलॉर्ड की है, क्योंकि वो जो उसके पिता
पूरा नहीं कर पाए वो कर रहा है, लेकिन प्यार मोहब्बत से सारा लैंड गांव वालों से साइन लेकर अपने नाम कर चुका है और उसका भांडा ये फॉरेस्ट ऑफिसर किशोरी फोड़ता है सारे गांव के सामने। अब शिवा का जो छोटा भाई है वो अपने पिता की जगह एनुअल फेस्टिवल में परफॉर्म करता है और उसके सर पर भी उसी डीटी का साया है, लेकिन उसे छल कपट से ये लैंडलॉर्ड मार देता है और शिवा को भी फंसा देता है और जेल भेज देता है। किस तरह से शिवा जेल से वापस आता है, किस तरह से लैंडलॉर्ड से बचाता है और किस तरह से फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ मिलने के बाद भी लैंडलॉर्ड के आदमियों के हाथों मारा जाता है, लेकिन जो डीटी है विच एनसर्कल्स द विलेज विच इज लुकिंग आफ्टर द विलेज उसके अंदर आता है और उसे वापस जगाता है और किस तरह से इंश्योर करता है कि लैंडलॉर्ड के क्लचेस में सारी जमीन ना चली जाए, बेसिकली फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। फिल्म शुरुआत थोड़ी स्लो होती है बट पोस्ट इंटरवल इट डेफिनेटली स्टार्ट्स पिकिंग अप पेस वेरी वेरी फास्ट एंड द लास्ट 25-30 मिनट्स ऑफ द फिल्म आर एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। एक्चुअल में लास्ट के 30 मिनट में आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं एंड व्हेन यू कम आउट ऑफ द थिएटर इज व्हेन यू रियलाइज कि क्या बनाया है ऋषभ शेट्टी ने। द फिल्म इज अ कॉम्प्लेक्स वन, एक आसान फिल्म नहीं है बनाना, बट टू राइट एक्ट एंड डायरेक्ट अ फिल्म लाइक दिस, हैट्स ऑफ टू ऋषभ शेट्टी। इट्स क्लियरली अ ऋषभ शेट्टी शो ऑल द वे। आई मस्ट ऐड दो द सिनेमेटोग्राफी बाय अरविंद कश्यप इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इट्स stunning. The forest, whether it's lashed by rains or it comes alive when the fire is burning all around, the way the forest has been shot, whether it's the drone shots, whether it's the rest of the cinematography, everything is brilliant. I would say the forest itself is a very important and pivotal character in the film. एक और चीज़ जो अपील करती है इस फिल्म में, इस हम कहते हैं कि इंडियन सिनेमा इज लूजिंग टच विथ इट्स लोकल स्टोरी, स्टोरीज रूटेड इन इंडियाज फोकलोर, बट दैट इज समथिंग दैट इज बीइंग डन ओनली बाय द साउथ इंडियन इंडस्ट्री। और इस फिल्म के साथ भी आप यही देख रहे हैं, सबसे बड़ी अपील इस फिल्म की ये है कि एक ओरिजिनल स्टोरी है, एक इंडियन स्टोरी है, स्टोरी रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड हाईलाइटिंग इंडियाज फोक एंड कल्चर। मैंने काफ़ी समय से कोई हिंदी फिल्म नहीं देखी जिसमें कोई ओरिजिनल इंडियन डांस फॉर्म या ओरिजिनल इंडियन फोकलोर के बारे में इतनी डिटेल में बताया गया हो जितना कि इस फिल्म में बताया गया है, तो वहां भी इस फिल्म को दाद देनी पड़ेगी। एक और जो पॉजिटिव है मेरे हिसाब से कि इसमें कोई भी गाना जबरदस्ती नहीं घुसाया गया है, थैंकफुली देर इज नो आइटम सॉन्ग एट ऑल एंड दैट्स व्हाट वर्क्स टू मी बिकॉज द स्टोरी इज द हीरो। जहां पे भी गाना आ रहा है वो रेलेवेंट है फिल्म में, जबरदस्ती ठूसा नहीं गया है। एक और चीज जो अपील करती है कि जो फाइट्स भी इस फिल्म में है दे आर वेरी नेचुरल। आई मीन व्हेन यू सी शिवा फाइटिंग द गुंड्स यू फील लाइक वो इतना दम रखता होगा जब वो इन गुंडों से लड़ रहा है। एट नो पॉइंट डू द फाइट्स लुक वे ओवर द टॉप जो कभी कभार इस तरह की फिल्म में हो सकता है, ऐसा इस फिल्म में बिल्कुल नहीं लगता, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है इस फिल्म का। couple of things that maybe could have been better, I think किशोर का रोल जो फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं वो इनिशियली जैसे प्रॉप अप किया गया एक विलन की तरह, जो वो है नहीं, इज एक्चुअली ऑन द साइड ऑफ द विलेजर्स, वो थोड़ा वेल डिफाइंड हो सकता था। आई थिंक बहुत ही सिंगल टोन रोल और परफॉर्मेंस रहा है किशोर का एंड ही इज मच मच बेटर देन दैट एंड दैट आई थिंक कुड हैव बीन एड्रेस बेटर। कपल ऑफ थिंग्स दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड वेदर इट वॉज द बॉडी शेमिंग, जहाँ पे एक विलेजर की वाइफ के दांत बाहर आए हुए होते हैं उस चीज़ को लेकर मजाक बनाया जाता है, और ऋषभ शेट्टी का जो अपनी लीडिंग लेडी के साथ रिलेशन है द वे ही इज पिंचिंग हर, वो भी एक थोड़ा एस्थेटिकली और बेटर तरीके से किया जा सकता था, वो थोड़ा सही नहीं लगता। वन कैन पॉसिबली आर्ग्यू कि वहाँ के लोग इसी तरह से अपना प्यार जताते हैं, बट बारिंग दिस कपल ऑफ थिंग्स आई थिंक ओवरऑल फिल्म बहुत बढ़िया बनी है। आई वुड गिव दिस फिल्म अ रेटिंग ऑफ 7.5/10 एंड आई विल से इट्स डेफिनेटली अ मस्ट वॉच इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग ओरिजिनल, इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट। वंस यू वॉच द फिल्म यू विल वॉक आउट फीलिंग हैप्पी, फीलिंग दैट इट वॉज टाइम वेल स्पेंट। अगर आपने फिल्म ऑलरेडी देखी है डू लेट अस नो व्हाट यू फील अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मेनी मेनी मोर सच रिव्यूज। वी विल कीप कमिंग बैक, सी यू सून, थैंक यू।